आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज 300 हर्ट्ज। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड। चार ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज 300 हर्ट्ज, मतलब कि इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। द फर्स्ट ओवर टोन ऑफ दिस पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओवर टोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, मतलब कि जो ओवर टोन है ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवर टोन वो क्लोज पाइप की फर्स्ट ओवर टोन के बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज 300 हर्ट्ज, मतलब कि ये है ओपन एंड ऑर्गन पाइप, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जब ये इस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। यहाँ पे इसका प्रेशर, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो यानी कि लैम्डा बाय टू इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका लेंथ एल दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, तो लैम्डा डैश 1 इज इक्वल टू L1, तो लैम्डा 1 डैश इज इक्वल टू 2L1। तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है F नेचुरल इज इक्वल टू F1 डैश इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 1 डैश विच इज इक्वल टू V बाय 2L1, और ये दिया हुआ 300 हर्ट्ज। तो यहां से हमें L1 के लिए मिल जाती है, क्योंकि साउंड का स्पीड 336 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एक और रिलेशन, इसका फर्स्ट ओवरटोन, ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, यानी कि ये जो होगा इसका फ्रीक्वेंसी एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फर्स्ट ओवरटोन के बराबर होगा, मतलब कि यह L1 और यह L2, तो यहाँ पे इसका लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू L1, यानी लैम्डा 1 इज इक्वल टू L1। तो यहाँ पे F इज इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा V बाय लैम्डा 1 यानी कि L1, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा लैम्डा बाय 4 लैम्डा 2 बाय 4 प्लस लैम्डा 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 बाय 4। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा V बाय लैम्डा 2, और ये जो होगा ये होगा L2 के बराबर। तो लैम्डा 2 यहाँ से आ जाएगा 4 L2 बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 V बाय 4 L2, और दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2, दैट इम्प्लाई V by L1 is equal to 3V by 4L2, ये इक्वल होगा। तो यहां से that implies L2 is equal to 3 by 4L1, और हम जानते हैं कि L1 क्या है, L1 यहां से L1 is equal to 332 sound की 336 sound की speed by 2 into L1 is equal to 300, that implies L1 is equal to 300, L1 is equal to 336 by 2 into 300। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो L2 is equal to 3 by 4 times 336 by 2 into 300, which is equal to, सॉल्व करने पर यह आएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, 42 सेंटीमीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।